Hello, everyone. Welcome to UPSC Akhara. Today, we are going to start chapter two of your book, two of class 11 NCERT uh, Freedom. And we will be dealing with part one of this chapter. Now, human history provides us with many examples of people and communities uh, who have been dominated, enslaved. Or exploited by powerful groups. But, uh, it also provides us with inspiring examples of heroic struggles against such domination. We have seen in the case of French Revolution. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जब भी कभी जब डोमिनेशन यावमेंट या एक्सप्लोटेशन या जो है स्ट्रगल रेवल्यूशन अगेंस्ट सच डोमिनेशन नाउ वॉट इज दिस फ्रीडम फॉर रिच पीपल है क्या महत्वपूर्ण है इस फ्रीडम में वाई फ्रीडम जिसके लिए लोगों ने uh, शायद जिसको इंजॉय करने के लिए लोग जो है वो जिंदा भी नहीं बचते हैं एंड दे आर विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर द फ्यूचर जनरे डाई ड्यूरिंग द प्रोसेस दे आर एग्जीक्यूटिव और दे बिकॉज ऑफ दोज रेवल्यूशंस सो इन एट्स ए सेंस द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रिप्रेजेंट डिजायर ऑफ पीपल टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ एंड डेस्टिनी अपनी जो जीवन है उस पर वो कंट्रोल चाहते हैं वो डिजायर होती है लोगों की जो उनको एक मोटिवेट करती है फ्रीडम uh, स्ट्रगल के लिए एंड देन ऑल्सो टू हैव अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देम सेल्व फ्रीली थ्रू देअर चॉइसिस एंड एक्टिविटीज एक, uh, expression uh, Freedom of expression, choices they clearly uh, uh, label their choices, and all the activities which they do uh, should be free of any kind of uh, coercion or, uh, or any form of uh, exploitation or any form of uh, domination. So, uh, given the diverse interests and ambitions of the people in any form of social uh, living, इट रिक्वायर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस कभी भी इतनी डायवर्सिटी uh, जब होती है इतने सारे लोग होते हैं किसी कंट्री में उनके डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं उनकी डिफरेंट uh, एक्सपेक्टेशंस होती हैं डिफरेंट एम्बिशंस होती हैं तो किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं फ्रीडम uh, आप चाहते हैं लेकिन उस वो फ्रीडम एक दायरे में रह करके रहती है जिसको हम रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं कि अगर हम उस सोसाइटी में अगर हमें रहना है तो वी आर बाउंड बाय सच रूल्स एंड रेगुलेशन लेकिन दीज रूल्स मे रिक्वायर सम कंस्ट्रेंट्स टू बी इम्पोज ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कहीं ना कहीं Uh, uh, उसमें एक कंस्ट्रेंट्स uh, होते हैं जो आपकी इंडिविजुअल की फ्रीडम को जो है वो कर्ब करता है नेचुरली एवरी पर्सन कैनॉट हैव हिज और हर ओन वे सो पोलिटिकल थ्योरी में मच ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम इट फोकसेज ऑन ट्राइंग टू इवॉल्व प्रिंसिपल बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशली नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस तो बेसिकली फ्रीडम तो हम क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हैं एज अ वैल्यू बट पॉलिटिकल थ्योरी में जो मैक्सिमम हमारा जो फोकस होगा जो डिस्कशन होगी वो ये होगी कि वी विल बी ट्राइंग टू इवॉल्व प्रिंसिपल्स जहां हम एक लाइन ड्रॉ कर सकें कि सोशली नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स क्या है और बाकी की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं क्या वो जरूरी हैं कंस्ट्रेंट्स एक सोसाइटी में रहने के लिए जरूरी हैं या कोई और ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्ब करती है so basically in this chapter we will understand the importance of freedom for individuals and societies which we know as very very important for a, a democracy at least तो uh, दोनों तरह से कि freedom individuals के क्या मायने हैं क्या importance है और societies के लिए उस freedom की क्या महत्व है Um, other than this, we will be explaining the difference between negative and positive dimensions of uh, freedom. We will be discussing both these aspects, and finally, a very very important concept which we will be discussing is uh, what we mean uh, by the harm principle. So, uh, these is basically, we will discuss in this chapter. Mein. Now, uh, अगर हम ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की uh, देखें जो विच इज टाइटल्ड एज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो उनकी बुक में उन्होंने बात करी है अपने पर्सनल स्ट्रगल की अगेंस्ट द अपार्थी रिजीम इन साउथ अफ्रीका जो एट्रोसिटीज uh, या जो ब्रुटेलिटीज विच वर सफर्ड बाय द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका उसमें उन्होंने ब्लैक पीपल के ह्यूमिलेशन्स की उनकी हार्डशिप्स की उनकी पुलिस uh, जो ब्रुटेलिटीज हैं उनकी बात की है और इस फ्रीडम को पाने के लिए जो उनसे जो है ये अपार्थीड रिजीम uh, के अगेंस्ट जो आवाज उन्होंने उठाई जो उनका पर्सनल स्ट्रगल था उसके लिए ही स्पेंट ट्वेंटी एट ईयर ऑफ हिस्स लाइफ इन जेल अपनी जीवन का अट्ठाईस साल उन्होंने जेल में बिता दिए तो नेचरली जो उसके फ्रीडम के बेनिफिट हैं दैट वर्क फॉर द फ्यूचर जनरेशर आर मेनी सेक्रीफाइसे मेनी पीपल डाई इन दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम सो दूसरा अगर हम केस लें ऑंग संघ सु का जो अपनी बुक में जिसका टाइटल है फ्रीडम फ्रॉम फियर तो वो ये कहती हैं कि फॉर मी फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड live फ्रीली फ्रॉम फीयर यू कैनोट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ नाउ शी वॉज अ लेडी जिसको कि घर में नजरबंद कर दिया गया था एंड शी वॉज नॉट अलाउड टू मीट हिज मीट हर फैमिली सो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो हम डर में जीते हैं तो ये अ, मेरे लिए फ्रीडम के मायने जो है फ्रीडम फ्रॉम फियर जो हम डर में जीते हैं और एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जो नहीं जी पाते हैं तो मेरे लिए जो है वो फ्रीडम के मायने हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर तो दीज आर डीप अस टू पॉज एंड कंसिडर देयर इम्प्लीकेशन इस तरह की जो एक टेरर में जीना और इस तरह के माहौल में जीना उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं वो हम आ, उस पे एक विचार इस चैप्टर में कर रहे हैं तो अगर हम फ्रीडम की बात करें कि व्हाट इज फ्रीडम तो सिंपल आंसर है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स भी किसी भी तरह का कोई आप पे बंदिश ना हो दैट इज फ्रीडम तो इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन एंड इंडिविजुअल कुड बी कंसीडर्ड फ्री इफ ही और शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल्स और पॉशन और इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस और एक्ट इन अ ऑटोनोमस वे किसी भी तरह का कोई पाबंदी ना हो वो अपनी मन मर्जी से किसी दबाव में आकर के निर्णय ना ले बल्कि अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले और अपनी तरह से ऑटोनोमस वे में एक्ट कर सके सो so, uh, ये जो एबसेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स है कि, कि किसी भी तरह की बंदिशें नहीं किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं ये एक डायमेंशन है फ्रीडम का फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द अबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस दिमसेल्व और विस्तार से देखें तो फ्रीडम जो है वो लोगों की लोगों को मौका देती है एक अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने में या अपना पोटेंशियल हिडन जो आपका पोटेंशियल है उसको डिवेलप करने में तो फ्रीडम इन दिस सेंस

दोनों ही पहलू जो है दे आर इम्प्रॉ इम्पोर्टेंट तो अ फ्री सोसाइटी वुड बी बन विच कंस्ट्रेंट्स तो अगर हम फ्री uh, सोसाइटी की बात करें तो एक आइडियल सोसाइटी की बात करें तो एक सोसाइटी uh, जो है फ्री सोसाइटी uh, ऐसी होती है जो हर मेंबर को uh, अपने हिसाब से अपनी पोटेंशियल uh, को डेवेलप करने की अपॉर्चुनिटीज देती है सबको बराबर और विद मिनिमम ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट्स जहाँ की सोशल कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल ना के बराबर हो ये एक आइडियल सिचुएशन है बट नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पूरा uh, स्वतंत्रता आपको दे दी जाए बिना किसी पाबंदी के बिना किसी रिस्ट्रिक्शन uh, के अगर आप एक कॉलेज uh, में भी पढ़ते हैं तो आपको उसको कॉलेज uh, में uh, जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मानने हैं मान लिया आपको फ्रीडम आप, है अपनी यूनियन बॉडी करने की आप कंप्लेन कर सकते हैं लेक्चरर्स के अगेंस्ट यू नो यू कैन डिमांड एनी फिजिकल कोई भी आप ऐसा <coughs> फैसिलिटी मांग सकते हैं लाइब्रेरी फैसिलिटीज मांग सकते हैं फ्रीली आप एडमिनिस्ट्रेशन uh, के अगेंस्ट बोल सकते हैं लेकिन फिर भी एक कोई कायदा कानून है यू के नॉट एड्रेस अपनी मर्जी से एंड गो टू यूनिवर्सिटी एंड यू कैन के नॉट यू नो इन द नेम ऑफ फ्रीडम यू के नॉट फाइट विद अदर ग्रुप्स एंड मेक न्यूज इन ओवर डे सो इट बिकम्स नेसेसरी टू कि कौन से सोशल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो जस्टिफाइड हैं जो एक्सेप्टेबल हैं और कौन से ऐसे हैं जो हमारे ऊपर अंकुश नहीं होने चाहिए तो ये डिस्कशन हमें यहाँ ले जाती है कि हम एक कोर रिलेशनशिप देख मतलब एक उसको ध्यान दें बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी या ग्रुप और कम्युनिटी या स्टेट में जहां पे भी हम रहते हैं तो वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन Be as इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी और द नेशन और फॉर कम्युनिटी और अ स्टेट फॉर दैट मैटर तो हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी बंदिशें हैं जो जस्टिफाइड है जो एक्सेप्टेबल हैं जो एक बिना नॉन वोलेंट सोसाइटी में एक ग्रोइंग सोसाइटी में जरूरी हैं हर किसी पे पाबंदियां जो जरूरी हैं तो वी नीड टू सी विच फीचर्स ऑफ द सोसाइटी अलाउ द इंडिविजुअल The freedom to choose, decide or act and which do not. फ्रीडम टू चूज दिस हैं जो हमें और ऐसी कौन सी पाबंदियां हैं जो हमें ऐसा करने से रोकती हैं Now अगर हम एक एनालॉगस कंसेप्ट टू फ्रीडम इज पॉलिटिकल थॉट जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है जो स्वराज कि जो हमने इंडियन हमारा पॉलिटिकल थॉट में जो हमने फ्रीडम का जो पहला स्वर uh, उठा था ब्रिटिशर uh, कॉलोनियल uh, जो रूल के अगेंस्ट दैट वाज द टर्म स्वराज अब स्वराज का मतलब क्या है स्व मतलब सेल्फ एंड रूल सो इट कैन बी अंडरस्टूड टू मीन बोथ द रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट दोनों चीजें रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर द सेल्फ रूल ऑफ है लेकिन रूल ओवर सेल्फ मतलब आप आप उन कुछ दायरों को अपने ऊपर मतलब लागू करके और उस constitution के दायरे में रह करके आप, आ, जो है एक्ट करते हैं तो स्वराज इस कंटेक्स में जो है फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया रेफर टू फ्रीडम एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोलिटिकल डिमांड अब यहां स्वराज के मायने जो थे वो ये थे कि uh, जो है फ्रीडम uh, हमने अपने अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल हमारी जो एक स्वतंत्र देश की पॉलिटिकल डिमांड थी तो दैट एज सोशल कलेक्टिव लेवल तो इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज एज रूल ओवर महात्मा गांधी स्वराजेट्स दैट इट इज स्वराज वेन वी लर्न टू रूल अवर सेल्व ठीक है जैसे मैंने कहा था रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर द सेल्फ रूल ऑफ द सेल्फ मतलब आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं आप चॉइसेस अपनी कर सकते हैं लेकिन ये आ, महात्मा गांधी ने जो अपनी आ, बुक आ, जो स्वराज थी उसमें ये कंसेप्ट दिया रूल यू नो वी शुड लर्न टू रूल आर्सेल्स अब ये रूल आर्सेल्स का मतलब ये नहीं है कि स्वराज Uh, जो है खाली आपको फ्रीडम देती है लेकिन आप उसके साथ साथ मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए सेल्फ रियलाइजेशन भी आपको होनी चाहिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ठीक वैसे ही जैसे राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज भी आती हैं ना तो आपको फ्रीडम चाहिए तो आप एक सेल्फ uh, रिस्पेक्ट uh, को मेंटेन करते हुए आप एक लिबरेशन के कंसेप्ट को अपनी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंगली सेल्फ रियलाइजेशन के साथ-साथ आपको एक उसके साथ ही एक सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी भी आती है विच इज यू नो लर्निंग टू रूल आवरसेल्फ्स नाउ वी विल डिस्कस द सोर्सेज ऑफ दीस कंस्ट्रेंट्स अभी हमने बात करी कि कंस्ट्रेंट्स आते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी uh, में हम रहते हैं तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम आते हैं कहां से आते हैं अब को डिस्कस अगर करें तो वो डोमिनेशन से से आते हैं, से आते हैं हैं एक्सटर्नल तो ये रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं दे मे बी इम्पोज बाय फोर्स जबरदस्ती लगाए गए हैं और दे मे में इम्पोज गवर्नमेंट थ्रू लॉज जैसे कि अभी है कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसी है ना जो गवर्नमेंट ने थ्रू लॉज हम पे लगाई हुई है Which embody the power of the rulers over the people, and which may have the backing of force. Even the colonial rulers, who alone had been some restrictions ओवर देयर सब्जेक्ट्स या जो सिस्टम ऑफ अपार्थी था साउथ अफ्रीका में जहाँ ब्लैक्स जो हैं एक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही मूव कर सकते थे उनकी एंट्री जो थी नॉर्मल कॉलेज में बैन थी उनके होटल्स अलग थे तो ये सारी चीज़ें जो थी ये रूल्स कॉलोनियल रूलर्स ने बेसिकली एक यू नो रिस्ट्रिक्शन एज अ फॉर्म ऑफ डोमनेशन किया हुआ था

वो भी तो चीजें आती हैं, वो भी तो एक रिस्ट्रे कंस्ट्रेंट uh, है फॉर द फ्रीडम किसी भी uh, ए, वो भी एक तरह का रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम है तो बेसिकली अगर हम डायरेक्ट देखें सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स तो Uh, दो चीजों से आते हैं वो फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स ये तो दो मेन uh, वो हो गए और इसके सब इनडायरेक्ट uh, कंस्ट्रेंट्स uh, जो हैं वो सोशल इनक्वालिटी से भी आते हैं और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से भी आते हैं अफकोर्स डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है सबके पास राइट टू वोट है सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर है ऑन पेपर्स एवरी इज वेरी इट इज अ वेरी रोजी पिक्चर सो दीज आर सम ऑफ ऑफ द सोर्सेज कंस्ट्रेंट्स लेकिन uh, जैसे मैंने कहा वी इन अ सोसाइटी वी आल्सो नीड दीस कंस्ट्रेंट्स टू सम एक्सटेंट व्हाई डू वी नीड दीस कंस्ट्रेंट्स बिकॉज़ वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड देयर देयर इज देयर इज यू नो टोटली वी आर फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ कंस्ट्रेंट वी नीड सम कंस्ट्रेंट्स और एल्स सोसाइटी वुड डिसेंट इनटू क्योंस, एक क्योंस मच जाएगा सोसाइटी कैसे चलेगी अगर कोई रूल्स रेगुलेशन उसको गवर्न नहीं करेंगे हर व्यक्ति जो है अपना चलाएगा एंटेल्टी इज गॉट अर्क ऑन ओन वे सो सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यू एंड डू नॉट अटेम टू लिव फ्रीली विदिम्रेंस तो एक आइडियल सोसाइटी में क्या होता है कि हम अपने व्यूज uh, को होल्ड कर सकें हम डेवलप कर सकें आर ओन रूल्स ऑफ लिविंग वी शुड बी एबल टू परस्यू आर चॉइसेस, लेकिन उसके साथ साथ इन सारी चीजों को देख करते करते हम किसी और की फ्रीडम पे पाव ना रख दें वी शुड नॉट स्टेप ऑन द फ्रीडम ऑफ अदर्स वी शुड नॉट नो फोर्स अदर्स वी शुड नॉट इम्पोज आर व्यूज ऑन अदर्स वी शुड नॉट फोर्स एनी to uh, agree to our point of view so hamari freedom jo hai wo kisi dusre ki freedom ko curb nahi karni chahiye but freedom is a word which has varied connotations and even in our country the conception of freedom has undergone a process of evolution अब फ्रीडम के मायने समय समय पे बदलते रहते हैं Evolve करना क्या होता है Evolve करना का मतलब होता है कि समय समय पे उसको एक अलग परसेप्शन से देखा जाए That is called evolve. मतलब उसको फ्रीडम में आप क्या चीजें और जोड़ते हैं फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज कि आपको एक uh, मतलब आप पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है तो वो एक फ्रीडम हो गई नहीं इट ऑल्सो मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो हम सोशल इनक्वालिटी की बात कर रहे थे वो भी फ्रीडम का ही पार्ट है ना आपकी फ्रीडम है लेकिन उनको तो फ्रीडम नहीं है जो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन है या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है देन एबोलिशन ऑफ कास्ट बैरियर्स जो कुछ कास्ट uh, को रिस्ट्रिक्टेड है कि आप कुएं से पानी नहीं भरेंगे आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते मतलब इन एक्सट्रीम केसेस हमारी कंट्री में आज भी होता है इन स्पाइट ऑफ द एबोल्यूशन ऑफ कास्ट बैरियर्स तो दीज सोशल इनिक्वालिटीज या डिस्ट्रिक्शन ऑफ कम्युनलिज्म है या रिलीजियस टॉलरेंस है ये सब भी तो फ्रीडम है कि आप ये कि सोचते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आप अपने यू नो रिलीजन को प्रोफेस uh, कर सकते हैं यू कैन प्रोपेगेट एंड यू कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस बट अलोंग विद यू हैव हैव टू यू नो टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन ऑल्सो दूसरे रिलीजन को भी टॉलरेट करना है दैट इज ऑल्सो बिकॉज वो उनकी फ्रीडम है उनकी फ्रीडम का भी आपको रिस्पेक्ट करना है अब इन्ही सब चीजों को uh, देखते हुए एक हार्म प्रिंसिपल uh, की हम बात करते हैं जो एक लिबरलिस्ट थ्योरी है अब लिबरलिज्म को अगर हम नॉर्मल uh, भाषा में हम क्या कहते हैं हम ये कहते हैं कि अगर uh, किसी के पेरेंट्स हम कहते हैं उसके पेरेंट्स तो बड़े लिबरल हैं क्या मतलब है उससे लिबरल है मतलब वो टॉलरेंट है वो कुछ भी मतलब अपनी अपनी मर्जी से अपने डिसीजन कोई भी बच्चा लेता है अपनी मर्जी से शादी करता है अपनी मर्जी से अपनी करियर चॉइस करता है तो वी से जनरली आम भाषा में कहते हैं हम कि वी उसके पेरेंट्स दे आर वेरी लिबरल लेकिन एज अ पोलिटिकल आइडियोलॉजी लिबरलिज्म हैज बीन आइडेंटिफाइड विद टॉलरेंस एज अ वैल्यू चाहे उसके भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में लिबरलिज्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं टॉलरेंस विच इज अ वैल्यू लिबरल्स हैव ओपन डिफेंडेंट द राइट ऑफ अ पर्सन टू होल्ड एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस एंड बिलीव्स इवन वेन दे डिसएग्री विद आप जो है uh, जो राइट ऑफ द पर्सन जो है आप uh, अपने ओपिनियंस और बिलीव्स को आप uh, किसी के सामने भी आप रख सकते हैं यू आर फ्री अगर आप चाहे डिसग्रीमी आप करते हैं उससे लेकिन आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी पार्लियामेंट में क्या होता नॉट एवरीबॉडी इज नॉट एग्री टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट डिसएग्रीमेंट होता है लेकिन हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है ना उससे बहस होती है बट दैट इज नॉट ऑल देयर इज टू लिबरलिज्म लिबरलिज्म इज नॉट द ओनली मॉडर्न आइडियोलॉजी दैट सपोर्ट्स टॉलरेंट ये लिबरल जो टॉलरेंस की बात आई थी ये लिबरलिज्म ने सबसे पहले की थी लेकिन आज जो है अगर मॉडर्न टेक आइडियोलॉजी को देखें तो खाली लिबरलिज्म ही नहीं है जो टॉलरेंस को सपोर्ट करती है वॉट इज मोर डिस्टिंगटिव अबाउट मॉडर्न लिबरलिज्म इज द फोकस ऑन द इंडिविजुअल अब लिबरल्स जो हैं वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं ओवर द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी को भी किनारे करके वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं और वो हिस्टोरिकली uh, अगर हम देखें तो लिबरलिज्म फेवर्ड फ्री मार्केट एंड मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट कि फ्री मार्केट होना चाहिए और अपने हिसाब से सब uh, होना चाहिए मार्केट में मोनोपली uh, जो है इंडिविजुअल्स की होनी चाहिए और स्टेट का वहाँ रोल मिनिमम uh, होना चाहिए हाउ आर प्रेजेंट डे अ रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड एक्सेप्ट नीड फॉर मेजर्स टू रिड्यूज बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लेकिन आज के जो प्रेजेंट डे लिबरलिज्म जो है वो वेलफेयर स्टेट की बात करती है वो बिल्कुल स्टेट की नॉन इंटरफेरेंस की बात नहीं करती है क्योंकि आपको सोशल और इकोनॉमिक इन को भी ध्यान में रखना है आप इक्वालिटी को किनारे नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी के चलते सो so, मॉडर्न जो लिबरलिज्म है उसमें मैंने कहा ना उसमें फ्रीडम की परिभाषा इवॉल्व होती रहती है टाइम टू टाइम ना व्हाट इज दिस हार्म प्रिंसिपल ये सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिबर्टी पे कहा था अब ध्यान से सुनिए इसको दैट द ओनली पर्पस फॉर फिच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में अगर आपको पावर जो है एक्सरसाइज करनी है तो अपनी पावर को Uh, मतलब यूज uh, करने से पहले आपको ये भी देखना है कि यू डू नॉट हार्म अदर्स अगर ये अगर इस पहलू को हम लेके चले तो यहाँ मिल ने जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अः इम्पॉर्टेंट किया है किसके बीच में एक तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस के बीच में कि ऐसे एक्शन जिनका कॉन्सिक्वेंसी ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नो बडी एल्स ऐसे actions जो हमारे सेल्फ रिगार्डिंग होते हैं जिसके consequences जो है इंडिविजुअल के लिए हैं एंड अदर्स आर रिगार्डिंग एक्शन और ऐसे एक्शन uh, जो दूसरों को प्रभावित करते हैं यानी दे हैव कॉन्सिक्वेंसिज फॉर अदर्स सो ही आर्ग्यूज रिस्पेक्ट टू एक्शन चॉइसिस सेल्फ रिगार्डिंग जो खाली आपको प्रभावित करते हैं आपके एक्शन उसमें कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है एंड स्टेट हैज नो बिजनेस टू इंटरफियर ऐसे जो सिर्फ आपको प्रभावित करते हैं उसमें स्टेट के जो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए लेकिन जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं जो दूसरे की फ्रीडम में स्टेप कर सकते हैं उनमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जरूरी है आपकी जैसे मैं शुरू से कहती आ रही हूँ आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे के लिए जो है वो जंजीर नहीं बन जानी चाहिए उसको बांध नहीं देना चाहिए सो आफ्टर ऑल इफ योर एक्शन श्योरली एट मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम सच हार्म बाय कॉल्ड हार्म प्रिंसिपल कि अगर आपका कोई भी एक्शन मुझे नुकसान पहुंचाता है so mujhe us harm say bachaya jana chahiye this is uh, this is what is harm principle so basically again um, i will repeat that uh, any of our actions um, any of our you know um, self regarding actions should not harm uh, or curb the freedom of any other individual in any way so uh, this is harm principle and this is how we uh, Define liberty according to liberalism, which is uh, quite applicable in modern context also. So we will uh, stop here, and uh, we will uh, continue this uh, chapter and uh, discussion on freedom in the second part of this video. Hello everyone, welcome once again to UPSC Akhara. Now in this video we are going to resume chapter number two of your book, two class 11 NCRT freedom part two. Now in the last chapter, we discussed about the various uh, definitions of freedom, the absence of constraints and the environment. Uh, a, a conducive environment where one can uh, you know, develop one's potential fully that is regarded as freedom then we also talked about freedom from fear we talked about the harm principle now uh, here we will be talking about the two dimensions of uh, freedom the negative and positive liberty as we i said there are two dimensions of freedom school freedom as the absence of external constraints and freedom as the expansion of um, opportunities to express oneself. Uh, we talked about these two dimensions in the last video also. Now, in political theory, they, these have been called negative and positive liberty. Now, pehle negative liberty ki baat karte Negative liberty seeks to define and defend an area in which the individual would be inviolable or uh, meaning, in which he or she could do, uh, be, or become whatever he or she wished to do or to become. So, this is an area in which no external authority can interfere. तो पहली चीज जो हम नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं कि उसमें इंडिविजुअल जो है उसपे निरंकुश जिसे कहते हैं उस पे कोई अंकुश नहीं है उस पे कोई बंदिश नहीं है जो वो करना चाहे करे जो वो बनना चाहे बने जैसे मर्जी वो अपने आप को प्रोजेक्ट करे सोसाइटी में उस पे कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है उस पे कोई फोर्स नहीं है एंड नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफियर

चर का और ह्यूमन डिग्निटी का विच नीड एन एरिया वेर द पर्सन कैन एक्ट अनऑब्सट्रक्टेड बाई अदर्स विदाउट इंटरफेयरेंस बायर्स और एक्सटर्नल अथॉरिटी ऑफ एनी काइंड अब ये एरिया कितना बड़ा होना चाहिए और इस वॉट शुड इट कंटेन दीज आर द मैटर्स ऑफ डिस्कशन हमने कह तो दिया कि एक दायरा होना चाहिए एक मिनिमम एरिया होना चाहिए नॉन इंटरफेरेंस जहाँ कुछ ना हो एक इंडिविजुअल जो है उस पर फोकस करके हम चलें और उसकी लिबर्टी की हम बात करें और किसी भी तरह का इंटरफेयरेंस uh, ना हो लेकिन ये एरिया कितना बड़ा होना चाहिए वॉट शुड इट कंटेन दीज आर द मैटर्स ऑफ डिस्कशन एंड वील कॉन्टिन्यू टू बी मैटर्स ऑफ डिबेट सिंस बिगर द एरिया ऑफ नॉन इंटरफेयरेंस मोर देन इन फ्रीडम जितना बड़ा वो दायरा होगा उतनी आपको तो फ्रीडम मिलेगी लेकिन यही जो है समय समय पे फ्रीडम uh, को हम जब डिफाइन करते हैं दैट इज हाउ फ्रीडम इज इवॉल्विंग बिकॉज ये जो दायरा है इसको सीमित और बढ़ाते रहते हैं हम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ वन कंट्री सो

कि हाउ हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू वर्ड्स फ्रीडम टू एंड फ्रीडम फ्रॉम लिबर्टी में वी आर कंसर्न विद आइडिया ऑफ फ्रीडम टू ठीक है दे आर इन रिस्पॉन्स टू दंसर हु गवर्न्स मी इन विच द आइडियल आंसर इज आई गवर्न माई सेल्फ ठीक है कौन मुझ पर कौन शासन करता है मैं खुद अपने आप को मैं स्वशासित हूँ आई गवर्न माई सेल्फ So positive liberty discussions have a long tradition that can be traced to as back as to Rousseau, jo pur uh, the a political thinkers, Rousseau, tha, Hegel, tha, Marx, tha, then um, after that Gandhi, Aurobindo and uh, others also who draw their inspiration from these uh, thinkers. So it is concerned with looking at the conditions and the nature of the relationship between the individual and society. अब यहाँ जो है ये पॉजिटिव लिबर्टी को देखते हैं एक रिलेशनशिप की तरह से इंडिविजुअल और सोसाइटी में किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए और उस रिलेशनशिप को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं विद फ्यूअर एंड फ्यूअर कंस्ट्रेंट और द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कम से कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम किस तरह से इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं दिस इज वॉट इज मेड बाय पॉजिटिव लिबर्टी Uh, एक तरह से हार्म प्रिंसिपल की ठीक है uh, आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी uh, भी बरकरार रहे और uh, दूसरे भी उससे uh, जो है वो प्रभावित ना हो या आप दूसरों की uh, जो दायरा है फ्रीडम का उसमें स्टेप ना करें सो इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशन इन मटीरियल पोलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स जो बेनिफिट्स हैं फ्रीडम के वो उसको uh, जो पॉजिटिव कंडीशंस हैं वो उसको एक मटेरियल दायरे में एक सोशल डोमेन में या पॉलिटिकल डोमेन में रह करके डेवलप करना है दैट मींस द पर्सन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेन बाय पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट Uh, they must have been adequate material resources to pursue their wants and needs. अब ये किसी तरह से भी ये constraint poverty और unemployment तो कदापि नहीं होना चाहिए कत ही नहीं होना चाहिए कि poverty है और unemployment है और आप कह रहे हो फ्रीडम है तुम्हें किसी भी चीज की जो मर्जी करो जैसे मर्जी करो अरे भाई पावर्टी है तो एक पावर्टी तो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है पावर्टी है तो फ्रीडम कैसी आपने ऑन पेपर्स फ्रीडम है भाई तू कुछ भी कर ले अब क्या करेगा जब पैसा ही नहीं है बेरोजगार है तो क्या ही कर लेगा सो so, ये मटेरियल रिसोर्सेज तो एटलीस्ट होने चाहिए एडिक्वेट जब हम बात कर रहे थे कि इक्वलाइजेशन ऑफ यू नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो एक मिनिमम uh, जो सोर्सेज हैं एडिक्वेट मटेरियल रिसोर्सेज वो तो सोसाइटी को एक वेलफेयर स्टेट को प्रोवाइड करना है ना they must also have the opportunity to participate in the decision-making process so that the law may reflect their choices or at least they uh, take those preferences into account this of course is a political freedom we are uh, a decision-making process may uh, naturally when you electoral representatives to uh, representatives act on your behalf वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑन माइंड एंड इंटेलेक्ट इंडिविजुअल मस्ट हमने बात करी बेरोजगारी की हमने बात की पॉवर्टी की सिमिलरली जो पढ़े लिखे लोग होंगे अगर एक्सेस टू एजुकेशन होगी तभी तो वो अपनी चॉइसिस जो है वो सही से कर सकेंगे सरकार भी तभी, तभी तो चुन सकेंगे

डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टीज ओनली कंसर्न विद इनवेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेयरेंस भाई आपको कह रही है जो मर्जी कर नॉन इंटरफेरेंस है लेकिन वो नेगेटिव लिबर्टी इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लिबर्टी आपको खाली पेपर्स पे, पे कह रही है भाई जो मर्जी कर ले, लेकिन पॉजिटिव uh, लिबर्टी बात कर रही है कि वो चीज़ें भी प्रोवाइड करती है जिससे कि आप डेवलप कर सकें आप फ्री हैं आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आ, आप फ्री हैं तो वो फ्रीडम मायने नहीं रखती जबकि स्टेट आपके लिए कुछ वेलफेयर पॉलिसीज डेवलप नहीं करती तो सोसाइटी में रह के ही कुछ कंडीशंस को कुछ कंस्टेंट्स को मिनिमम लेकर के ही हम एक आइडियल सोसाइटी एक आइडियल पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं सो जनरली दे गो टुगेदर एंड सपोर्ट इच अदर यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी दोनों साथ साथ चलते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट करते हैं बट इट हैपन्स द टैरेंट्स जस्टिफाई देयर रूल बाई इन ऑर्ग्यूमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी डेमोक्रेसी में दोनों साथ साथ चलते हैं लेकिन जहाँ पेरेंट्स होते हैं जमुनार्स होते हैं डिकटेटर्स होते हैं तो वो नेचुरली जो है वो uh, एक पॉजिटिव uh, लिबर्टी की आड़ में कंस्ट्रेंट्स uh, को मिस यूज करते हैं नाउ कमिंग टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्रीडम दैट इज कंसर्निंग बिलोंगिंग टू द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उससे आइडेंटिफाई करते हैं ना जे एस मिल जिसने हार्म प्रिंसिपल की बात करी थी जॉन स्टूअर्ट मिल ही सेट आउट गुड रीजन वाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड उसने काफी अच्छे रीजन दिए हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए दिस इज अ गुड केस फॉर डिस्कशन हमने देखा है कई बार कुछ बुक्स बैन हो जाती हैं कुछ फिल्म्स बैन हो जाती हैं कुछ अकेडमिक आर्टिकल्स रिसर्च जर्नल्स में बैन हो जाते हैं इन द लाइट ऑफ अर डिस्कशन दैट फ्रीडम एज मेकिंग ऑफ चॉइसिस जहाँ हम डिस्टिंग करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की तो वहाँ एक जस्टिफाइबल कंस्टेंट uh, की हम बात करते हैं कि ये जस्टिफाइबल है मॉरल मॉरल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि इसको इसलिए uh, हम अभी बात करेंगे कि किस तरह से हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मिसयूज भी करते हैं और किस तरह से हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनपे उनका फायदा किस तरह से सरकारें उठाती हैं uh, ये जो जितनी भी जस्टिफेबाइबल कंस्ट्रेंट्स हैं ना Uh, उनकी नीड अगर कुछ प्रोपेगेट होती है तो वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ सपोर्ट होनी चाहिए मॉरल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए कि हाँ भाई इस फिल्म पे बैन इसलिए लगाया गया कि इट प्रमोट्स ये भड़काऊ है ये आ, आपके कम्युनलिज्म ले, ले, आएगी या बुक जो है ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हित में नहीं है तो इससे दंगे हो सकते हैं तो वो एक आपको एक उसका प्रॉपर आर्ग्यूमेंट दीजिए ना अगर आप उस पर जस्टिफाइबल कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एक फंडामेंटल वैल्यू है बट सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट अ वोल्टेयर की एक स्टेटमेंट यहाँ पे याद कीजिए आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट होप यू हैव अंडरस्टूड इट वोल्टेयर सेड दैट आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से मैं uh, सहमत नहीं हूँ आप जो बोल रहे हैं लेकिन फिर भी मैं आपके राइट टू से को हमेशा मरते दम तक डिफेंड करूंगा मैं आपसे सहमत नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट टू से राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ़ फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर व्यूज नहीं है डिसअप्रूव करता हूँ मेरी और आपकी दोनों का डिसएग्रीमेंट है बट दैट डज नॉट डिनाई यू योर राइट टू सेटमेंट से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ साल पहले आपको याद होगा uh, वो एक विडोज वाराणसी पे जो विडोज थी उस पर फिल्म बनानी uh, चाहती थी जिसमें वो प्लाइट ऑफ विडोज दिखाना चाहती थी लेकिन uh, वाराणसी बींगो uh, you know, uh, कट्टर एक रिलीजियस uh, वहां uh, पे हैं तो वहां से एक स्ट्रोंग प्रोटेस्ट आई थी फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ अ पीपल कि ये इंडिया को एक बैड लाइट में प्रोजेक्ट करेगा और uh, ये जो है फॉरेन uh, ऑडियंसेस को अगर केटर की जाएगी तो इट विल यू नो ब्रिंग बैड नेम टू वाराणसी जो एंशियंट टाउन है ये हमारी एक कुप्रथा को उजागर करेगी एंड दिस विल नॉट शो इंडिया इन अ गुड लाइट इन फॉरेन कंट्रीज तो वाराणसी में इसको uh, बनाने से मना कर दिया गया था तो uh, पिक्चर दीपा मेहता ने बनाई थी लेकिन वो कहीं और बनाई थी मतलब वाराणसी को uh, की कुप्रथा को हाईलाइट करते हुए नहीं बना पाई थी वो उसको तो बेसिकली uh, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं कि uh, किस तरह से uh, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करना पड़ा पड़ता है या किया जाता है उसके आगे के इफ़ेक्ट्स को देखें कि उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगी उसकी सोशल इम्प्लीकेशन क्या होंगी उसकी कम्युनल इम्प्लीकेशन uh, क्या होंगी इसी तरह से जो रामायणा रिटोल्ड जो ओबरे मैनन ने एक uh, बुक लिखी थी या um, बहुत फेमस है सेटनिक वर्सेज सलमान रशदी की uh, उसको बैन कर दिया था क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से प्रोटेस्ट आए अभी आप देखते हैं कुछ फिल्म्स भी जो है वो रिलीज होने से पहले ही जो है कि ये जो मराठा है उनको बैड लाइट में दिखा रहे हैं तो वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही जो है उसपे शुरू हो जाते हैं रिवोल्ट तो उनको या तो उन सीन्स को हटा दिया जाता है या फिर उनको बैन कर दिया जाता है और इसी के चलते जो लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट जो प्ले था बाई नथु राम बोल्टे इट वॉज ऑल्सो बैंड सो बैनिंग एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि वो इमिजिएट डिमांड को फुलफिल करता है कि उसको बैन कर दिया कि ये जो है लोगों में दंगा फसाद हो जाएगा बट इट इज वेरी हार्मुल फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम इन असाइटी बिकॉज वंस वन बिगिनस टू बैन देम वन डेवेलप्स हैबिट ऑफ बैनिंग लेकिन ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म तो चलो ठीक है बैन कर दिया हो गया लेकिन ये आदत बन जाती है सरकारों की रूलर्स की कि हाँ भाई एक हैबिट बन जाती है बैन की कि जो गवर्नमेंट के फेवर में चीजें नहीं है बैन कर दो उनको वो नहीं होना चाहिए तो वहां ये हार्मफुल है वहां ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करती है तो हमें देखना है कि कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या उसकी जो राजनीतिक इम्प्लीकेशन हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी पे

Uh, समझदारी से एक मॉरली uh, एक प्रोसीजरल uh, जो है एक पॉलिसी uh, होनी चाहिए जस्ट फॉर इंटरेस्ट इन इंग्लैंड एनी वन हुड टू वर्क फॉर द रॉयल हाउस होल्ड इज कंस्ट्रेन बाय्रैक्ट कंस्ट्रेन फ्रॉम राइटिंग अबाउट द इनर अफेयर ऑफ द हाउस होल्ड जो भी इंडिया इंग्लैंड में जो रॉयल फैमिलीज हैं उनमें हाउस होल्ड में जो काम करते हैं उन पे एक उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि तुम जो रॉयल हाउस होल्ड के बारे में जब वंस यू गो आउटसाइड इट एंड इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर देम आप उनके इंटरनल अफेयर्स पे हाउस होल्ड पे कुछ लिख नहीं सकते कुछ मीडिया को दे नहीं सकते आप कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते आप आर्टिकल नहीं दे सकते या कोई बुक नहीं लिख सकते आप रॉयल हाउस होल्ड पे तो वो एक एक कंस्ट्रेंट है तो क्या हम इसको ये सोचें कि ये अनजस्टिफाइबल कंस्ट्रेंट है ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो राइट टू प्राइवेसी के अंडर अगर हम देखें कि अगर रॉयल फैमिली की अपनी राइट टू प्राइवेसी है तो हाँ दिस इज जस्टिफाइबल कंस्ट्रेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप एक्सप्रेशन कि आप किसी और के बारे में किसी की प्राइवेसी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते सो so, इस तरह के constraints होते हैं एंड टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशन दे आर और दे आर यू नो स्पोकन अबाउट सो ऐसी सिचुएशंस को जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं वी नीड टू रियलाइज दट ट्वेन कंस्ट्रेंट आर बैक बाय ऑर्गनाइज सोशल रिलीजियस और कल्चरल अथॉरिटी और बाय द माइट ऑफ द स्टेट दे रिस्ट्रिक्ट आर फ्रीडम इन वेज दैट आर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट कि ये हमें भी समझना चाहिए कि ये कंस्ट्रेंट जो है अगर हमें एक व्यवस्थित समाज में एक धार्मिक परिवेश में या एक सांस्कृतिक परिवेश में रहना है तो हमें उसके दायरे में रहना होगा तो वहां जो है हमारी फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड है या किस तरह से कोई अननेसेसरी कर्ब तो नहीं है तो दिस अगेन इज अ डिबेटेबल टॉपिक

सिबिलिटी के चाहते चलते आपने आपनेट uh, को एक्सेप्ट किया है सो इट इज योर चॉइस फ्रीडम एम्बॉडीज आर कैपेसिटी एंड आर एबिलिटी टू मेक फ्रीडम सो व्हेन वी मेक चॉइसेस वी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस It is for this reason that most advocates of liberty and freedom maintain that children must be placed in the care of parents. हम कहते हैं कि बच्चों को उनके पेरेंट्स की छत्रचाया में रहना चाहिए। उनको लिबर्टी और फ्रीडम उन्हीं के लिए आगे भविष्य के लिए जो है उन्हीं की एक पर्टिकुलर एज के पहले वो फ्रीडम नहीं देनी चाहिए तो ये जो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन द केयर ऑफ पेरेंट्स वो इसी फिलोसफी को लेके चलते हैं कि राइट right फ्रॉम हर चीज़ बच्चा जब तक लॉजिकल थिंकिंग की एज नहीं उसकी आ जाती वो जो है राइट right चॉइसेस नहीं बना पाता या एसेस नहीं कर सकता एक रिजनड मैनर्ड अवेलेबल ऑप्शन को या वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शोल्डर uh, कर सकता थ्रू uh, एजुकेशन या जजमेंट नहीं कर सकता तो इट नीड्स टू बी नर्चर बाय लिमिटिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी चाहे वो स्टेट हो चाहे सोसाइटी हो चाहे फैमिली हो वहां जो uh, एक रिस्ट्रिक्शन uh, है वो जस्टिफाइड है सो दैट इज all about the uh, freedom uh, as a value as a uh, value of our political philosophy on which our constitution is based uh, restrictions positive liberty negative liberty Ye, uh, freedom is a concept which is uh, ever evolving and uh, you know uh, in different situations we give a different meaning and uh, different perception to this value of freedom so, that is all about the freedom um, in this chapter. Uh, we'll meet you uh, with a fresh topic in the next video. Till then, goodbye.